आज हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते रिलीज हो रही एक बड़ी फिल्म ओके जानू की। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर नजर आएंगे लीड रोल में। करण जौहर और मणि रत्नम द्वारा प्रोड्यूस की गई ये फिल्म हिंदी रीमेक है तमिल फिल्म ओके कनमनी की। इस फिल्म को भी मणि रत्नम ने ही प्रोड्यूस किया था और साथ ही साथ डायरेक्ट भी किया था, लेकिन इस बार ओके जानू को डायरेक्ट कर रहे हैं शाद अली। ओके कनमनी की तरह इस फिल्म का म्यूजिक भी एआर रहमान ने ही दिया है। ओके कनमनी तमिल बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी, तो देखते हैं उस फिल्म की तरह ओके जानू भी हिट होती है या नहीं। वैसे तो इसमें आशिकी 2 के हिट कपल के अलावा मणि रत्नम और एआर रहमान का हिट ड्यूओ भी है और ऊपर से गुलजार का लिरिक, तो उम्मीद यही है कि एक ब्लॉकबस्टर होगी ये फिल्म। अभी फिल्म का ट्रेलर और दो गाने रिलीज हो चुके हैं जिसको ऑडियंसेस का बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि ओके कनमनी के मुकाबले ये फिल्म दमदार नहीं लगती, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट ट्रेलर से समझ में आ गया है। ये एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल की लव स्टोरी है, जहां ओके कनमनी के ट्रेलर से लोगों को ये पता नहीं चला था। जब वो फिल्म देखने गए थिएटर में तब उन्हें वो एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह दिया गया। वैसे सरप्राइजेस किसको पसंद नहीं? वेल, सरप्राइजेस तो सभी को पसंद है। तो देखते हैं दोस्तों मिक्स्ड रिव्यूज के साथ ओके जानू बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है। अब ऑडियंस ही बताएगी कि फिल्म ओके जानू उन्हें ओके लगी या नहीं। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज प्रीति राव फ्रॉम नर्जिस न्यूज़।